हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पावन मधावन। ओपीडी में शुगर के पेशेंट्स आते हैं। डॉक्टर साहब, 2-4 साल से शुगर है, हम देसी इलाज कर रहे हैं, कुछ टाइम ठीक रहे, अब तबीयत बिगड़ने लग गई है, वजन टूटने लग गया है, कहीं कहीं प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो अब हम आपके पास अंग्रेजी इलाज के लिए आए हैं। देखिए, देसी इलाज के बारे में, पहली बात, अंग्रेजी देसी का कंसेप्ट कुछ नहीं है। अंग्रेजी दवाई भी एक्चुअली देसी दवाई है, बस उसको एविडेंस के साथ टेस्ट किया गया है। और आजकल जितनी भी दवाइयाँ दी जाती हैं, ज़्यादातर वो पेड़ पौधों से ही आते हैं। जहाँ तक देसी नुस्खे हैं शुगर के बारे में, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि सेब का सिरका यानी कि एप्पल साइडर विनेगार लेने से शुगर गिरती है। 1 चम्मच सुबह शाम एप्पल साइडर विनेगार लेना चाहिए शुगर के पेशेंट को, 1 गिलास पानी में डाल के। डायरेक्ट मत लेना, नहीं तो मुँह जल जाएगा। उसको अच्छी कंपनी का लें, एप्पल साइडर विनेगार, शुगर फ्री एप्पल साइडर विनेगार लें, जैसे ब्रैक कंपनी का आता है बहुत अच्छा, उसको आधा चम्मच या 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोलें और सुबह शाम पिएं, शुगर डाउन जाता है। इसके अलावा डोडा पनीर हमारे पंसारी की दुकानों पे मिलता है। डोडा पनीर के फूल होते हैं छोटे छोटे, उनको रात को भिगो दें और सुबह उनका जो पानी है वो फूल जो फूल हैं वो खा लें और उसका पानी पी लें, उससे भी शुगर डाउन जाती है। फिर दारू हल्दी के नाम से एक जड़ी बूटी होती है जिसको इंडियन बारबरी भी कहा जाता है, ये भी पंसारी की दुकान से मिलती है। इसको एक छोटी सी जड़ को रात को भिगो के सुबह वो पानी में घुल जाएगी, उस पानी को पीने से भी शुगर डाउन जाती है। इंद्रजोत के नाम से एक जड़ी बूटी हमारे पानीपत में काफ़ी फेमस है, ये भी शुगर को काफ़ी डाउन करती है। इसके अलावा हरे पत्तों की चटनी जैसे कि पान का पत्ता, तुलसी पत्ता, कड़ी पत्ता, धनिया पुदीना आदि, उसमें आंवला और लहसुन मिला के, काला नमक, काला थोड़ा सा जीरा डाल के अगर चटनी बनाएं और 50 ग्राम सुबह शाम चटनी खाएं तो शुगर डाउन जाती है। इसी तरह से एक चाइनीज जड़ी बूटी है जिसे कहते हैं ब्रूअर्स यीस्ट। ब्रूअर्स यीस्ट क्या होता है, ये वो खमीर होता है जिससे ब्रेड बनाते हैं, उसको अगर आप टच कर दें तो आटे को तो ब्रेड का खमीर बन जाता है, उसको भी लेने से शुगर घटती है। वो आजकल अमेजोन पे गोलियों के नाम पे ब्रूअर्स यीस्ट होता है। तो ये देसी इलाज करने से काफ़ी जो है सारी चीज़ें शुगर को कंट्रोल करने में सहायता देती हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी ये देसी इलाज करें, सैर करें, तला हुआ ना खाएं, मीठा ना खाएं, लेकिन अपनी शुगर को मापें। अगर शुगर कंट्रोल आ रही है, HbA1c 6 के नीचे चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आप इनको कंटिन्यू कीजिए। पर इनसे अगर नहीं बात बन रही तो हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसकी सहायता लेनी चाहिए और जो भी दवाई उसके हिसाब से बनती है उसमें वो स्टार्ट साथ साथ करवानी चाहिए। इसको आप कंटिन्यू रखें बट साथ में इनको ऐड करें। तो लोग आते हैं, डॉक्टर साहब हम देसी इलाज कर रहे हैं, मधुनाशिनी खा रहे हैं, मधुग्रिड खा रहे हैं, IGR-7 खा रहे हैं, तो वो सभी टॉनिक्स हैं, वो दवाई नहीं है, टॉनिक्स हैं। उनके साथ साथ दवाई की भी जरूरत है, उनको भी लीजिए, इनको भी कीजिए। देसी और विदेशी यानी अंग्रेजी एलोपैथिक दवाइयों को मिला के चलें तो बहुत अच्छा है, अच्छा रिजल्ट आता है। लोग कंट्रोल रहते हैं, शुगर कंट्रोल रहती है, लंबी उम्र पाते हैं, हार्ट अटैक, किडनी फेल नहीं होता। तो हमें देसी को भी लेना है और जहाँ भी डॉक्टर सलाह है उसे भी फॉलो करना है। देसी काढ़ा हम बताते हैं अपनी ओपीडी में स्माइल टी के नाम से, आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं कि स्माइल टी के नाम से जो हमारा फेमस काढ़ा है जिससे शुगर काफ़ी डाउन जाती है, मेंटल प्रेशर कम होता है, उसको लेने से भी शुगर डाउन जाता है। तो हम इस तरह काफ़ी देसी इलाज अपनी ओपीडी में बताते हैं। हमारा हमेशा से ही रुझान है कि देसी चिकित्सा को बढ़ाया जाए, तो हम देसी और एलोपैथिक दोनों मिला के अपने मरीजों को काफ़ी हद तक ठीक रखे हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी भी मंगलमय रहें, देसी और एलोपैथिक चिकित्साओं का सहारा लें और खूब सैर करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं और सेहतमंद रहें। थैंक यू।